टाटा हैरियर की नई वाली फेसलिफ्ट हो चुकी है लॉन्च और आप देख सकते हो कितनी स्पॉटी देखने में लग रही है गाड़ी। इस गाड़ी का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा स्पॉटी निकल कर आ रहा है। इस गाड़ी का जो बम्पर ग्रिल है, इस गाड़ी का जो लोअर बम्पर ग्रिल है, सारी की सारी चेंज है। जिस चीज में हमें चेंज देखने के लिए नहीं मिलता वो है इस गाड़ी का DRL लैंप। इस गाड़ी का जो DRL लैंप है वो आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, पुराने वाले शेप का ही देखने के लिए मिल रहा है। और इस गाड़ी का जो बॉडी प्लेटफॉर्म है वो भी आपको पुराना वाला ही देखने के लिए मिलेगा। चेंज है इस गाड़ी के सिर्फ फेस में। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका MW में चैनल को। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तुम लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो ताकि चैनल की ऐसी थोड़ी सी ग्रोथ हो सके। तो भाई टाटा हैरियर में और टाटा सफारी में काफी सारी नई अपडेट निकल कर आ चुकी है जो की हमें देखने के लिए मिल रहा है इन वीडियोज में और इन पिक्चर्स में, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज्यादा स्पॉटी देखने के लिए मिल रही है हमें टाटा हैरियर। और जो टाटा सफारी है वो ऐसी काफी रगेड लुक में निकाली गई है जो कि थोड़ी सी व्हील बेस वगैरह थोड़ी सी बढ़ा कर दी गई है और जिसकी वजह से ये गाड़ी थोड़ा सा स्पॉटी कम और SUV ज्यादा लग रही है, जिससे कि इस गाड़ी की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज है टाटा सफारी की वो ज्यादा निकल कर आती है। लेकिन हम लोग आज बात करने वाले हैं सिर्फ टाटा हैरियर पे, तो टाटा हैरियर की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग को टाटा हैरियर फ्रंट लुक से देखने के लिए मिल रहा है बहुत ही ज्यादा स्पॉटी क्लास में दिख रहा है और यहाँ तक कि इस गाड़ी की जो इंटीरियर है वो भी भाई साहब एक नंबर देखने को मिलने वाला है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जो गाड़ी की इंटीरियर रहने वाली है, लेकिन इस गाड़ी की इंटीरियर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि काफी ज्यादा सिमिलर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है टाटा नेक्सॉन से, और वैसा ही कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिला। जैसा कि मैंने बताया था कि इस गाड़ी में आपको ट्विन स्पोक स्टेरिंग व्हील देखने के लिए मिलने वाला है, तो वैसा ही आपको इसमें देखने के लिए मिला इल्यूमिनेटेड लोगों के साथ में। और इतना ही नहीं, आपको इसमें एम्बियंट लाइटिंग देखने के लिए मिली और उसके साथ ही साथ इसमें जो ड्राइवर डिस्प्ले आपको मिला इंटीरियर पे वो भी आपको फुल्ली डिजिटल देखने के लिए मिला है। और इतना ही नहीं, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पहले के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी देखने के लिए मिलने वाली है, तो काफी बड़ी देखने के लिए मिली हम लोगों को इंफोटेनमेंट सिस्टम भी, जिसमें कि ऐसी बहुत सारी भर भर के फीचर्स दी गई हैं, यहाँ तक कि इसमें गेम्स भी दिया गया है तो आप गेम भी खेल सकते हो। अच्छी खासी टाइम पास एंटरटेनमेंट की चीजें भी इसमें दी गई हैं। और जो गाड़ी का इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा स्पॉटी दिख रहा है। सिर्फ स्पॉटी ही नहीं, इसमें आपको सेफ्टी भी काफी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। इसमें आपको 7 एयरबैग दिया गया है। जी हाँ, अब 6 पे 1 फ्री एयरबैग मिल रहा है गाइस। तो हम लोग को इसमें कोई घाटे वाले सौदा है नहीं, इसमें आपको 6 एयरबैग मिल रहे हैं। तो बेसिकली पीछे में हम लोग को पहले एयरबैग देखने के लिए नहीं मिलता था रेयर वाले पार्ट पे, लेकिन अब वहां पे भी हम लोग को एयरबैग देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज काफी अच्छी है, क्योंकि जब भी अगर पीछे से कोई गाड़ी को ठोक देता था तो उसमें होता क्या है कि शीशे कांच वगैरह जो होते हैं वो ऐसे लग जाते हैं। कंप्लीटली प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे में भी एयरबैग दे दिया गया है, और अब अगर पीछे से भी कोई आपको ठोक देता है आप सेफ रहोगे, ऐसा कुछ आपको चोट ज्यादा लगेगी नहीं, थोड़ी बहुत लग सकती है। अगर आपकी किस्मत खराब हो तो क्या कर सकते हैं। गाड़ी की जो इंटीरियर पे आपको सीट्स देखने के लिए मिलने वाला है वो आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने के लिए मिलेगा। तो पहले के मुकाबले जो टाटा हैरियर रहने वाली है वो और भी ज्यादा स्पॉटी जेन्युइन एंड प्रीमियम लेवल की देखने के लिए मिलने वाली है। जो गाड़ी की रोड प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलने वाली है वो अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बहुत ही बेटर रोड प्रेजेंस देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में। और आपको इतना ही नहीं, पहली वाली के मुकाबले फ्रंट तो आपको कम्प्लीटली चेंज मिल ही रहा है, रेयर प्रोफाइल भी आपको कम्प्लीटली चेंज देखने के लिए मिलेगा। पहले फ्रंट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो फ्रंट पे आपको जो DRL लैंप देखने के लिए मिलने वाला है वो आपको पुराना वाला मिलेगा, लेकिन उसमें चेंज ये है कि आपको एक LED कनेक्टेड DRL लैंप देखने के लिए मिल जाता है। और ये चीज थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है कि हाँ लग रहा है भाई अभी की समय की गाड़ियां हैं ये। और इसकी जो लोअर बम्पर आप देख लो तो लोअर बम्पर थोड़ा सा सेपरेट कर दिया गया है एक ब्लैक लाइन के साथ में, तो ये चीज थोड़ी सी और भी कूल लग रहा है कि हाँ अब दोनों की दोनों बम्पर ऐसी सेपरेटेड लग रही है ऊपर नीचे वाली। और उसके साथ ही साथ आपको जो हेडलैम्प देखने के लिए मिल रहा है वो भी आपको सेपरेटेड हेडलैम्प देखने के लिए मिला है। इस गाड़ी में आपको फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, इस गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन फेंडर्स पे आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिलेगा। पहले से ज्यादा बल्क दिख रही है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा बल्क निकल कर आ रहा है इस गाड़ी का। क्या इस गाड़ी में 4x4 आने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। इस गाड़ी के पावर ट्रेन में थोड़ा बहुत चेंज करा गया है, एक नया डीजल इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि 2 लीटर की होने वाली है। और इसमें आपको एक नया पेट्रोल इंजन भी देखने के लिए मिलेगा जो कि 1.5 लीटर की टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन रहने वाली है, लेकिन इसमें आपको 4x4 का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बनी हुई इस गाड़ी की स्ट्रक्चर जो कि लेजेंडरी रेंज रोवर से उठाई गई है, और ये चीज इस गाड़ी को अल्टीमेट SUV बना रही है। इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो रेयर प्रोफाइल भी हम लोगों को काफी नई सी देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि जो गाड़ी की कर्व्स वगैरह शेप वगैरह है वो थोड़ी सी पुरानी वाली देखने के लिए मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को चेंजेस देखने के लिए
भी मिल रही है गाड़ी में, वो है इस गाड़ी की टेल लैंप्स। इस टेल लैंप में आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि एक कनेक्टेड बार दिया गया है ब्लैक कलर का, जिसके ठीक ऊपर में एक एलईडी बार लगा दिया गया है और लेफ्ट राइट साइड जो टेल लैंप्स है उससे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये चीज इस गाड़ी की टेल लैंप्स को एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स बना दे रही है, और ये चीज सही में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। पुरानी वाली में भी थोड़ी सी ठीक ठाक थी, मजेदार थी, लेकिन इसमें आपको ब्लैक फिनिशिंग के साथ में देखने के लिए मिलती है, तो ये चीज थोड़ी सी और ज्यादा इनहेंस होकर आ रही है, तो अच्छी तो लग रही है भाई। दूसरी चीज हम लोग को चेंज देखने के लिए मिल रहा है, तो लोअर बम्पर पे थोड़े से चले आते हैं तो हमें यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी सी स्किड प्लेट देखने के लिए मिल रहा है, जो की ऐसी महंगी एसयूवीज में देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हमें रेंज रोवर की डिस्कवरी में देखने के लिए मिलती है। तो ये वाली चीज इस गाड़ी में भी दी गई है, तो अभी ना प्रॉपर सा ऐसा लग रहा है कि टाटा हैरियर सही में रेंज रोवर के ही प्लेटफॉर्म पे बनी हुई। अब इतना ही नहीं, इस गाड़ी की हम लोग साइड फेंडर्स के तरफ भी देख लेते हैं, तो साइड फेंडर्स पे एक कर्व निकला हुआ है जिसपे कि हम लोग को रिफ्लेक्टर लाइट देखने के लिए मिल जाता है। अलॉय व्हील्स की तरफ हम लोग देख लेते हैं, तो अलॉय व्हील्स हम लोग को काफी डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है इस बारी। तो जो सबसे ज्यादा आइडेंटिकल है इस गाड़ी के बारे में, वो है इस गाड़ी का कलर। इस गाड़ी का कलर जो आपको देखने के लिए मिलने वाला है, वो आपको देखने के लिए मिलता है ऐसा हरा, काफी लाइट हरा है ये, और इसकी वजह से ये जो कलर है ना आंखों में थोड़ी सी चुभती है, तो गाड़ी काफी ज्यादा स्पॉटी है। और इस गाड़ी के कर्व्स को थोड़ा और निखारने के लिए इस कलर में इस गाड़ी को लॉन्च करा गया है, शायद यही सोचा होगा टाटा हैरियर के डिजाइनर्स ने, इसलिए इस गाड़ी को एक नई कलर में निकाला गया है। जैसा कि आपको BMW की M3 देखने के लिए मिलती है जिस कलर में, आइडेंटिकल कलर जो बोलते हैं, तो उसी में आपको ये भी गाड़ी देखने के लिए मिल रही है। और सही में इस गाड़ी का जो कर्व्स वगैरह है इस कलर में काफी उभर कर आ रही है, तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्लैक में और भी ज्यादा जेन्युइन लगेगा, जरूरी नहीं है। वैसे व्हाइट भी सही है, व्हाइट में भी गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, लेकिन भाई ये वाली जो कलर है थोड़ी सी चुभ रही है आंखों में और अच्छी लग रही है, पर पता नहीं ये अच्छी वाली चुभन है या बुरी वाली चुभन है, इन सारी बातों को छोड़ो। और उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं इस गाड़ी की एडास के बारे में, तो एडास भी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया इस गाड़ी का पहले के मुकाबले। जब तक गाड़ी कस्टमर्स के हाथों में जाती नहीं है, एडास टेस्ट नहीं होगी पूरी प्रॉपर तरीके से, कितना ज्यादा बेटर कर दिया गया है नई वाली एडास को लेवल 2 में। तो लेवल 2 को हम लोग को टेस्ट करना बाकी रह गया है, तो पता नहीं कंपनी वालों ने कितना टेस्ट करा है, क्योंकि जब पहली बार टाटा हैरियर में एडास इंट्रोड्यूस हुआ था रेड डार्क एडिशन में, तब उतनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही थी, लेकिन इस बार बाकी है देखना कि एडास कितना बढ़िया से काम करने वाला है इस बारी वाले फेसलिफ्ट में, तो मजा आने वाला है गाइस। तो फिलहाल वीडियो कर लेते हैं यहीं पे एंड, फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें, तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाएं।